हाय गाइस, आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ जे एंड बी को विद वैलेंटाइंस, क्योंकि देखिए बात ये थी कि दोनों का रिव्यू करना था, लेकिन कंपैरिजन रिव्यू कर लेते हैं आज, क्योंकि दोनों ब्लेंडेड। अरे इतनी ख़त्म होगी, ये ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है जे एंड बी, और ये भी आपकी वैलेंटाइंस भी ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, वैलेंटाइंस फाइनेस्ट। ये मैंने शायद ली थी 1500 की, और ये भी शायद 1600-1800 रुपये की ली थी फ्रॉम L1 गुड़गांव। क्वालिटी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा कैमरा चार्ज हो रहा है, तो अगर आप ये क्वालिटी देख के मत मेरा वीडियो एंड करना। क्वालिटी इंप्रूव होगी, लेकिन उसके लिए 5-10 मिनट दीजिए सेकेंड या थर्ड फ्रेम में। शुक्रिया। ये दो ग्लास है अमेज़ॉन पे मिलते हैं, गुड ग्लासेस, शक्ल से इतने अच्छे नहीं दिखते, लेकिन काफ़ी किफ़ायती और काम वाले ग्लास है। तो पहले बात करते हैं जे एंड बी की, जिसका मैं एक बहुत ही अजीब सा रिव्यू कर चुका हूँ जो इनकम्प्लीट रह गया। तो पहले मैं इसको पोर करना चाहूँगा एंड इसकी हम विफ करेंगे, विफ एंड स्मेल करेंगे, वील गेट अ विफ ऑफ इट। सो इट्स पोरिंग अ लिटिल वियर्ड। ये मैंने डाल दी है जे एंड बी, एंड अब मैं बढ़ रहा हूँ वैलेंटाइंस की ओर। ये मैंने डाल दिया है वैलेंटाइंस फाइनेस्ट एंड जे एंड बी। सो दिस कलर वाइज अगर हम देखें तो दे ऑलमोस्ट द सेम, बट डेफिनेटली वैलेंटाइंस का कलर थोड़ा रोमांचक है, जबकि जे एंड बी का थोड़ा ठहरा हुआ है। सो जो मेरा मानना है कि जितनी विस्की डाइल्यूटेड होती है, जितना उसका कलर सैचुरेट होता है, वो उतना कोशिश करती है आपको मूव करने का। तो कहीं ना कहीं वैलेंटाइन इज़ ट्राइंग हार्डर देन जे एंड बी, जो बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आप शिवस 18 का भी पियेंगे तो आप नोटिस करना उसका कलर कितना सैचुरेटेड है, दे हैव डेफिनेटली एडेड फेक आर्टिफिशियल कलर्स टू शिवस 18। सो लेट्स स्मेल अपनी वैलेंटाइन फर्स्ट। स्मेल काफ़ी तीखी है इसकी, काफ़ी स्पिरिटेड है। स्पिरिटेड से मेरा मतलब है इसमें स्पिरिट वाला एसेंस है डेफिनेटली, स्मेल में तेजाबी अजूबा। और अगर हम जे एंड बी की बात करें, ये भी स्पिरिटेड है, लेकिन इसमें एक तरीके की ड्राई फ्रूट वाली आमंड एंड ड्राई फ्रूट वाला जरूर इसमें वो स्वभाव है जो कि आपको टीचर्स में मिलता है। स्मेल वाइज मुझे लगता है स्मेल करने से ही मैं बता सकता हूँ कि जे एंड बी मुझे ज़्यादा पसंद आएगी, वो इस कारण क्योंकि वैलेंटाइन्स वो रफ एंड रॉ है। आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि अगर आप कोई इम्पोर्टेड विस्की पी रहे हैं तो वो इतनी रफ एंड रॉ होगी एंड एजी होगी। ये काफ़ी एजी विस्की है एंड इसका ये कैरेक्टरिस्टिक कई लोगों को पसंद आएगा। मुझे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक यूजली पसंद आते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही स्पिरिटेड है ये, जो कि आपको इंडियन विस्कीज में भी मिलेगा। स्पिरिटेड विस्कीज जो बहुत ज़्यादा स्पिरिट होती है, जिनमें जैसे कि रॉयल स्टैग आप नीट नहीं पी सकते। अगर आप नीट पियेंगे तो आपको थोड़ा थ्रोट में हर्ट करेगी, आपको आंखें ऐसे बंद होगी, अगर आप मेरे जैसे कमज़ोर कड़ी हो तो। कहने का मतलब ये है कि जो लेस स्पिरिटेड होते हैं वो ज़्यादा मुझे पसंद आते हैं यूजली, बिकॉज उसमें ज़्यादा ही वो बात होती है, ठहराव होता है। अब बर्फ लेके आता हूँ, गिव मी 1 मिनट। तो मैंने बर्फ़ डाल दी है, ये वैलेंटाइंस है और ये है आपकी जे एंड बी विस्की। जे एंड बी का फुल फॉर्म है जस्टरीनी एंड ब्रूक्स, एंड ये कहाँ बनती है ये मैं आपको बताऊंगा एक सेकंड में। इंपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्पिरिट्स इन यूबी टावर विट्टल माल्या रोड बेंगलुरु। सो इट्स अ इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर IMFL, मैन्युफैक्चर्ड बाई डियाजियो स्कॉटलैंड in Edinburgh, Scotland. So maybe this is a scotch which comes from Scotland by Diageo. Jabki Ballantine's ye bottle jab bani hai 19th Jan 2021 ko, and blended and bottled in Scotland by George Ballantine and Son, Dumbarton, GA22SS, Scotland. Country of origin Scotland, blended scotch whisky. So this is more or less a product of Scotland, like it says on the front. Looks wise, I would say they both look very kadakedar. I would give both equal marks on the basis of looks.
वीडियो स्टार्ट होने वाला है, मैं इसमें बस पानी डाल देता हूँ। क्वाइट एक्साइटेड, थोड़ा पक भी गया हूँ मैं अपने वो राउंड जो मेरे है ग्लास आइस वेयर, उससे थोड़ा मैं पक गया हूँ। सो वी हैव द टू ड्रिंक्स हियर, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। नाउ वी जस्ट गोना लेट इट सिट फॉर 5 मिनट्स। वेलकम बैक गाइज, कैमरे के एंगल के लिए माफी। ये रहा आपका वैलेंटाइन, ये रहा आपका JNB। शुरुआत करते हैं वैलेंटाइन से। चीयर्स। ये टक्कर दोनों के बीच में ज़रूर है, मैं दोनों पहले पी चुका हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा अभी फ़िलहाल मुझे वैलेंटाइंस की का जो फ्लेवर है वो नहीं आ रहा, बिकॉज मैंने कुछ स्नैक्स, कुछ मैंने चिप्स खाए थे थोड़े से, सो मुझे अभी एग्जैक्टली फ्लेवर नहीं आ रहा वैलेंटाइंस का, बट इट्स स्मूद, इट्स वेरी स्मूद एंड आई एम सरप्राइज बिकॉज ये चौथी बार मैं पी रहा हूँ इसको। मुझे एक बार पसंद आई थी, दो बार ना पसंद आई थी। JNB की बात करते हैं। Cheers, guys. देखिए विस्की मैं जरूर दो पी रहा हूं, और कई बार आदमी नशे के चक्कर में, हाई के चक्कर में कंफ्यूज जाता है कि कौन सी बेटर विस्की है, लेकिन ऑन दिस बेसिस ऑफ फर्स्ट सिप वैलेंटाइन्स इज प्रीटी गुड, आई एम नॉट गोइंग टू लाई टू यू गाइज। सो फर्स्ट सिप वाइज JNB में वो जो मैंने आपको कहा था ना कि स्पिरिटेड ज़रूर है, लेकिन इसमें वो एसेंस है, वो माल्टेड एसेंस है जो मुझे पसंद है टीचर्स के बारे में, तो इसका क्रीमी एसेंस भी वैसे आ रहा है, इसमें ड्राई फ्रूट वाला टेक्सचर ज़रूर आ रहा है। तो ये क्या करता है, ये बिस्की को थोड़ा नेचुरल बनाता है। वैलेंटाइंस क्या है, कड़ाके की ड्रिंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वैलेंटाइंस वेरी कड़ाके वाली ड्रिंक। लेकिन अगर आपको फ्लेवर या आफ्टर टेस्ट की बात करें तो JNB हैज़ अ बेटर एसेंस। सेकेंड सिप, आई थिंक इसमें भी मुझे अब ड्राई फ्रूट की थोड़ी बहुत वाइब आ रही है। लेट मी जस्ट रेस्ट फॉर अ बिट एंड कम बैक, बट वैलेंटाइन्स फर्स्ट ड्रिंक वॉज प्रीटी गुड एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं सेकेंड ड्रिंक की तरफ जाता हूँ। हम खाली दो ड्रिंक करने वाले हैं इस रिव्यू में, क्योंकि मैं नहीं चाहता बिल्कुल मैं ख़त्म होके करूँ, अपने होश आवाज में करना चाहता हूँ, बिकॉज आफ्टर 4 ड्रिंक्स आई विल बी अ बिट आउट ऑफ इट। सो फार मेरा इरादा यह है कि आई रिव्यू वैलेंटाइन्स फर्स्ट एंड JNB फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट ड्रिंक। वी हैव पोर्ड द सेकेंड ड्रिंक, तो ये जब तक बैठेगी यू नो, एंड हे सॉरी 5 मिनट टाइमर। ऑलराइट, 5 मिनट्स काउंटिंग डाउन। सॉरी, आई हैव टू सिटीज अराउंड मी, वॉर ऑफ सिटीज। गोइंग बैक टू JNB, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि वैलेंटाइन्स में ना एक तरीके की जो फिनिश है वो इतनी खास नहीं है। मे बी आपको ये 2-3 पीने के बाद हेडेक हो सकता है, बिकॉज ये थोड़ी बहुत ब्लैक एंड वाइट के जैसी है। ब्लैक एंड वाइट की अगर आप बात करें तो उसकी जो फिनिश है इतनी अच्छी नहीं है, वो कुछ टाइम के बाद आपको किक दे सकती है गंदी वाली। JNB थोड़ी मोर मैं कैसे कहूँ, डिसेंट एंड लिटिल मोर पेशेंट है। डेफिनेटली JNB ज़्यादा स्मूद है दैन वैलेंटाइन्स। अगर मैं स्मूद विस्कीज़ की बात करूँ तो ड्यूअर्स वाइट लेबल को मैं स्मूद मानता हूँ, ब्लैक लेबल को मैं स्मूद मानता हूँ, रेड लेबल को मैं स्मूद नहीं मानता। रेड लेबल अपने में ही एक अजूबा है। जेम्सन को मैं स्मूद मानता हूँ, स्मूद एंड सेक्सी। वैलेंटाइन्स की मैं बात करूँ सो आई फील ये थोड़ी रॉ है, जो अमेजिंग है, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ इसके सैकड़ों फैंस इसको इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द रॉ डेफिनेशन ऑफ वैलेंटाइन्स, जबकि JNB इज अ लिटिल मोर लेड बैक। एंड अब इससे क्या होता है, कई बार अगर मैं कोई लेड बैक विस्की को प्रिफर कर रहा हूँ तो शायद 8-10 ड्रिंक बाद मुझे ये ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मुझे वो ड्रिंक ज़्यादा पसंद आएगा जिसमें कुछ
बारूद है। जैसे कि जेडी, अगर आप 4-5 पैक पी लेंगे उसके बाद आपको जेडी के सिवा और कुछ समझ नहीं आएगा। यू विल बी लाइक यार कोई जेडी ले आओ। एंड आई एम ऑलरेडी स्लरिंग, सो दैट्स अ डिसेंट थिंग आई गेस। या सो फार आई एम रियली लविंग द फैक्ट कि मैंने दोनों को कंपेयर किया है, और ये इतना बेहुदा कंपेरिजन नहीं है क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ बात है। ये थोड़ी लेट बैक है, ये थोड़ी ज्यादा सूटी है, सूटी इट हैज मोर। अगर आदमी काम के बाद वापस आया है घर और उसको मतलब कुछ, अगर आपको कुछ, मैं कहूँगा आप दोनों ट्राई करिए, लेकिन अगर आपको चाहिए कि कोई ऐसी ड्रिंक हो जो थोड़ी आप पिए एंड आपको हाई ना करे, तो मैं रेकमेंड करूँगा JNB। ये हाई करेगी लेकिन थोड़ा रुक के करेगी। वैलेंटाइंस इज अ लिटिल मोर, आई डोंट नो, इट हैज मोर स्ट्रेंथ इन इट। और एक और बात भी इत्तेफाक की बात है कि इसमें 43% वॉल्यूम है एंड इसमें 40% वॉल्यूम है। आई थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस एंड डेफिनेटली इट इज इवन फेल्ट, बिकॉज ये डेफिनेटली ज़्यादा हाई करती है जबकि ये ज़्यादा रिलैक्स करती है। मैं नहीं कह रहा इसको पी के कोई रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इसको पीने के बाद भी आप भीम बन जाएंगे, लेकिन तब तक थोड़ी रुकावट होगी जिंदगी में, कोई बात नहीं। विच वन डू आई लाइक राइट नाउ मोर? आई हैव टू बी ऑनेस्ट, वैलेंटाइन्स राइट नाउ मैं शॉक हूं क्योंकि मुझे वैलेंटाइन ज्यादा पसंद आ रही है। मे बी बिकॉज मैंने उसका फुल ड्रिंक पिया है। तो रुकिए, ये अच्छी है लेकिन ये थोड़ी पतली है एज कंपेयर टू वैलेंटाइन्स। इसमें इट्स नॉट ट्राइंग टू गेट मी ड्रंक, वेर एज वैलेंटाइन्स इज ट्राइंग टू गेट मी ड्रंक। वैलेंटाइन्स इज ट्राइंग टू प्रूव इट्स स्टेटमेंट। वैलेंटाइन्स वॉज द मोस्ट सैचुरेटेड ड्रिंक, दिस वॉज द लेस सैचुरेटेड ड्रिंक। सो देर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द बोथ ऑफ देम, बिकॉज दिस इज सैचुरेटेड। आई गेस इट ट्राइज अ लिटल हार्डर टू कन्विंस यू अबाउट इट्स ऑथेंटिक नेचर, वेर एज इन केस ऑफ JNB आई थिंक इट्स अ बिट मोर लेड बैक एंड मेलो। नॉट ट्राइंग टू प्रूव एनी पॉइंट, इट्स जस्ट ट्राइंग टू गेट यू होम। दिस इज द काइंड ऑफ विस्की विच विल बी इन मेनी बार कलेक्शंस। आई डोंट नो अबाउट विस्की बेस्ड कॉकटेल्स, बट डेफिनेटली इफ यू वॉन्ट स्टैंड लोन विस्की टू हिट द स्पॉट, दिस इज योर मैन और वुमन। तो यार आप में से मैंने नोटिस किया है 66% ऑफ पीपल हु वॉच माई वीडियोज आर नॉट इवन सब्सक्राइब टू मी। सो कम से कम यार स्टैटिस्टिक को थोड़ा कम कर दीजिए, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू मी। मैं ये कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे याद दिलाए टू वर्कआउट, बिकॉज मैं बड़ा लेजी हो गया हूँ। मैंने पिछले 7 दिनों में खाली 2 बार वर्कआउट किया है। सो आई हैव बिकम वेरी बैड। मैंने आज भी वर्कआउट नहीं किया, कल भी नहीं किया, परसों भी नहीं किया। आई डोंट लाइक दिस। JNB इज डन एंड 5 मिनट्स आर डन फॉर वैलेंटाइन। सो लेट्स हैव आवर सेकेंड ड्रिंक एंड लेट्स सी इफ इट्स स्टिल हिटिंग द स्पॉट। हेल यस, दिस इज हिटिंग द स्पॉट। यार बड़ी इत्तेफाक की बात है कि मैंने ये ड्रिंक कम से कम 3 बार लाइव स्ट्रीम पे पी है, 1-2 बार अकेले पी है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे वैलेंटाइन्स का फील की फील आ रही है। एंड वैलेंटाइन्स इज द विनर ऑफ दिस कॉन्टेस्ट, विच डजेंट मीन कि JNB खराब ड्रिंक है। JNB इज समथिंग अमेजिंग। इफ यू आर सिटिंग विथ योर फ्रेंड्स, JNB इज वॉट आई रेकमेंड। इफ यू आर सिटिंग विथ योर फ्रेंड्स, Valentine's is also what I recommend, but Valentine's has a more coarse texture. Valentine's is a bit more jabas, whereas JNB is a bit more veletti and a bit more laid back. Both whiskies are awesome in their own medium, and both whiskies have this amazing texture. And overall, it sucks to choose a winner, but Valentine's definitely has it by 10%. वो इसलिए because Valentine's ज़्यादा try कर रही है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई विस्की ज़्यादा ट्राई हार्ड करती है, क्योंकि मैं भी ऐसा इंसान हूँ जो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है टू कन्विंस पीपल टू लाइक हिम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक आई सेड, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई एम गोना गो ऑनलाइन नाउ एंड द काइंड ऑफ दहशत दैट्स गोना हैपन व्हेन आई गो ऑनलाइन, यू हैव टू बी इन माई लाइव स्ट्रीम टू सी व्हाट हैपेंस ब्रो। ऑलराइट मैन, stay good, stay happy, stay happy, stay sappy, stay sappy guys, and I'll see you guys when I do in the next one. This was a pretty good drink. Both Valentine's and JNB have impressed me. Both are winners, but I seem to like Valentine's today.
अगर मेरा मूड बदलेगा फ्यूचर में तो बदलेगा यार, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो एक ही इरादे के साथ एक ही वो करता है। मेरा आई बिलीव इन एवरी थिंग एंड आई डू चेंज माई ओपिनियन टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल आई यूज नॉट लाइक ब्लैक लेबल बट आई लव ब्लैक लेबल नाउ। माई नेक्स्ट रिव्यू इज गोना बी फ्रॉम जिम बीम, सो वॉच आउट फॉर दैट वन। लव यू गाइज, पीस आउट।